BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, मैं आज कोई कहानी नहीं सुनाने वाला, लेकिन एक सुझाव देना चाहता हूं। ये सुझाव इसलिए दे रहा हूं कि मुझे एक 2-3 ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स ने ये पूछा कि जब भी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तभी कभी प्रोस्पेक्ट कहते हैं कि मैं इंश्योरेंस की बजाय गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा, तो क्या जवाब दिया जाए जिससे उसका विचार करने का जो अभिगम है वो बदल जाए, उसका जो अभिगम है वो इंश्योरेंस की तरफ आ जाए, क्या जवाब दिया जाए। मैं अपने विचार देता हूँ, आप उसमें सुधार कर सकते हैं, डीओ से पूछ सकते हो, किसी और लोग से पूछ सकते हो और उसको और सुंदर बना सकते हो, क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट को जानते हो, उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना जवाब तैयार करना चाहिए। अगर मुझे मेरा प्रोस्पेक्ट कहता तो मैं कुछ ऐसा जवाब देता उसको, सर यू आर राइट, वी शुड ऑल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड, गोल्ड में इन्वेस्ट करना जरूरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले हमारी 6 नीड्स है वो ख़त्म करनी है। 3 नीड्स बहुत जानी मानी है, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन ये मॉडर्न युग में जो हमारी लाइफस्टाइल है इसमें और 3 नीड्स ऐड होती है। एक है स्वास्थ्य हेल्थ, दूसरी शिक्षा एजुकेशन और तीसरा सलामती इंश्योरेंस। अगर ये 6 नीड्स को आपने फुलफिल कर दिया तो आप कोई भी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसमें रिस्क है और नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछूं, आप पहले अपने चाइल्ड की एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे या एक कार लेने में इन्वेस्ट करोगे? पहले आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करोगे या आप गोल्ड लेने में इन्वेस्ट करोगे? यस, यू शुड हैव सम इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, पर पहले ये 6 नीड्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट करना जरूरी है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने में कुछ डिसएडवांटेज भी है मेरे हिसाब से, जैसे कि कोई नेचुरल कैलेमिटी में आप गोल्ड लूज कर सकते हो, फ्लड्स, अर्थक्वेक, फायर वगैरह। अब ये आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंटैक्ट रहेगी, कोई भी फ्लड आ जाए, नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में आप अपने गोल्ड के बारे में चिंतित रहोगे, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसमें हाईएस्ट सेफ्टी है, इस गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गोल्ड आपका कोई गारंटी नहीं देता है, रियल एस्टेट को कोई गारंटी नहीं देता है। दूसरा, आमतौर पर अगर गोल्ड के ऊपर लोन लेने जाओगे तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन द लोन अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑल्सो। आप कहेंगे कि गोल्ड को मैं इंश्योर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो साहब, लेकिन जो प्रोसीजर है गोल्ड को इंश्योर करने की और उसका क्लेम करने की वो बहुत लंबी चौड़ी है, FIR प्रूफ वगैरह। इंश्योरेंस पॉलिसी सेटल करने में 2-3 महीने जाते हैं, वेयर इज गोल्ड की पॉलिसी अगर आपको सेटल करनी है तो करीबन 2-3 साल भी लग जाते हैं। गोल्ड कैन बी स्टोलन, गोल्ड कैन बी लॉस्ट ऑल्सो, बट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज कैनॉट बी। और कभी कभी गोल्ड फैमिली में डिस्प्यूट भी कर सकता है, विवाद खड़ा कर सकता है, झगड़ा हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप 3 बच्चे हैं तो 3 पॉलिसी एक सरखे अमाउंट की ले लें और तीनों को अपने नॉमिनी अलग अलग बना दें तो प्रॉब्लम आपने करीबन सॉल्व कर दिया है। गोल्ड एक तरह से देखा जाए तो एक स्पेक्यूलेशन भी है, हो सकता है कि जो प्राइस से आपने गोल्ड खरीदा उससे प्राइस कम हो सकती है, बॉटम में नहीं जा सकती है लेकिन उससे तो कम हो सकती है। गोल्ड
कि मैं इन्वेस्ट करना वो आइसक्रीम खाने के बराबर है। दाल चावल रोटी सब्जी खा लिया, उसके बाद आप अगर आइसक्रीम खाएंगे तो वो सही है, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी खाने से पहले आप आइसक्रीम खाएंगे तो वो गलत है, वो नुकसान कर सकता है। इसी तरह अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट पहले कर देंगे, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा और सलामती में बाद में करेंगे तो वो नुकसान करता हो सकता है। पहले ये सिक्स नीड्स को सर हमें अप्रोप्रिएटली वाइजली फुलफिल करना है। अगर ये फुलफिल हो गया तो उसके बाद यू कैन हैव आइसक्रीम, यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड। रियल एस्टेट के लिए भी करीबन आप यही आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, ये बहुत लुक्रेटिव है, पैसे ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन गंवा भी सकते हो। कभी कभी वो रियल एस्टेट में बिल्डिंग को ख़त्म होने में बहुत लंबा टाइम चला जाता है, लीगल प्रोसीजर्स में कभी कभी आ जाते हैं, रेरा है, लेकिन उसमें भी वक्त जाता ही है। प्रॉपर्टी को सेल करना आसान नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली का डिमाइस के बाद अगर प्रॉपर्टी बेचने को जाएगी, इफ यू वांट लिक्विडिटी इमीडिएटली यू मे नॉट गेट इट। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको जल्दी से पैसा देते, लिक्विडिटी तो बहुत जल्दी से देता है, लंबी प्रोसीजर्स में से आप बच सकते हैं। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट भी आइसक्रीम खाने के बराबर है। सभी और नीड्स खत्म हो गई, उसके बाद अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे तो चलेगा। मैं फिर से कहता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस कि इन्वेस्टमेंट के सामने गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सब में इन्वेस्ट कर सकते हो और करना भी चाहिए, लेकिन जो सीक्वेंस है, जो प्रायोरिटी है, जो प्रेफरेंस है, वो ये सिक्स नीड्स का पहले रहना चाहिए। वो सिक्स नीड्स को फुलफिल करने के बाद अगर आप गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो सही रहेगा। जो वही बात मैं दोहराता हूँ कि खाली पेट आइसक्रीम नहीं खाना, रोटी चावल खाने के बाद अगर आप आइसक्रीम खाए तो कोई नुकसान नहीं करता, खाली पेट खाएंगे तो नुकसान होगा। मुझे लगता है कि आप ये आर्ग्यूमेंट्स अपने क्लाइंट्स को देंगे, प्रोस्पेक्ट्स को देंगे, तो शायद उनका जो अभिगम है उसमें चेंज आए, बदलाव आए, वो सोचना तो शुरू कर देंगे कि हाँ पहले इंश्योरेंस में मुझे इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बाद में गोल्ड और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। वर्क ऑन इट, कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट, इट विल बी देन ईजी टू कन्विंस योर प्रोस्पेक्ट्स एंड क्लाइंट्स। All the best, and if you convince them, let me know that yes, I have convinced them. BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।